नाइट जैस्मीन कुंदा, देखिए हर एक नोड एरिया पर कली बन रही है और ये मेरा प्लांट 2 साल पुराना है जो कि बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है सीज़न आने पर। और ये जो मेरा गार्डन है, छोटा सा टेरेस गार्डन, यहाँ पर जितने भी पौधे हैं वो ज़्यादातर जो हैं सीड ग्रोन है या कटिंग ग्रोन है और हेल्थ रेगुलर दिखाती रहती हूँ, सबकी ठीक ठाक है, अच्छी रहती है, टोटली जैविक है, टोटली नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, जो भी नाम देना चाहें। आज एक सवाल था कि उन्होंने सर्दियों के फूलों का नाम लिया था कि मैम ये सारे फूल लेकर आए, पौधे लेकर आए और सारे के सारे आकर घर पर मर गए। तो देखिए पौधा मरता तभी है जब उसको हम सही तरीके से नहीं लगा रहे होते हैं या सही मिट्टी में नहीं लगा रहे होते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रख लेंगे तो डेफिनेटली आपके पौधे मरेंगे नहीं, बहुत अच्छे से चलेंगे। ये देखिए मैंने करंडूला की पौध लगाई थी घर में बीज से तैयार करके, सब बहुत अच्छे से चल पड़ी हैं। ये तो मैं दिखाती ही रहती हूँ आपको, सारे मेरे कटिंग से लगाए हुए हैं जाफरी, अब मैं बीज से लगा रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे सर्दियाँ आगे बढ़ेंगी अब जो बीज तैयार होते जाएंगे इनको मैं डालती रहूँगी और नई पौध तैयार होती रहेंगी। अलाइसम बीज से लगाया था जो कि खिलने लगा है। ये मैं लेकर आई थी आपके सामने गजानिया, दोनों मैंने लगा दिए थे, दोनों चल पड़े हैं। बिगुनिया देखिए सैपलिंग ही लाई थी छोटी सी, चल गई है। ये मैंने पॉट पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था पानी भर के, आपको पता है जैसे मैं रखती हूँ अपने खाद बना के मिट्टी, तो उनमें जब मैं लगाती हूँ तो पौधे की ग्रोथ एकदम से अच्छी होती है और पौधा मरता भी नहीं है। ध्यान क्या रखना होता है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए मार्केट से हम जब सैपलिंग लेकर आते हैं तो इस तरीके से छोटे छोटे से प्लास्टिक के जो ट्रेज होती हैं उनमें लगे हुए आते हैं, तो मैं 2 लेकर आई हूँ ये फिटुनिया। ये मैं एक प्रोजेक्ट के लिए लेकर आई हूँ, शेयर करूँगी क्या है। ये देखिए अलाइसम की पर्पल वेराइटी है क्योंकि मेरे पास वाइट थी, पर्पल की इच्छा थी तो वो मैं ले आई हूँ। और ये है ब्लू पिटूनिया, क्योंकि मेरे पास वाइट तो मैंने लगा रखा है और आई थिंक पिंक भी देखिए ये लगा हुआ है, अब इसमें फ्लावर कब आएगा पता नहीं, बहुत छोटी पौधा है। इसको मैं अभी रीट्रांसप्लांट कर रही हूँ, शेयर करती हूँ कि कैसे कर रही हूँ। देखिए ये मेरा पॉट है जो कि मैंने पहले से फिल करके रखा हुआ था, इसमें किचन वेस्ट मैं नीचे नहीं दबाती हूँ, इसमें सिर्फ होती हैं ड्राई मटेरियल में डीकम्पोज्ड हुई पत्तियाँ होती हैं, थोड़ी सी लकड़ियाँ होती हैं जो नीचे पॉट फिलिंग में मैं करती हूँ, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। लेकिन इसमें ऐसा कोई मैं चीज़ नहीं डालती हूँ जो कि डीकम्पोज ना हुआ हो, ड्राई मटेरियल रहता है खूब सारा नीचे लीव्स वगैरह का ना। तो ये मैंने तकरीबन देखिए 15 दिन पहले फिल करके रखा था, जिसमें आप देख पा रहे होंगे सरसों के बीज अपने आप जर्मिनेट हो गए। ये जो है घामरा का पौधा है जिसको कि टिंचर आयोडीन टिंचर कहा जाता है, अगर इसको इसके पत्ते को हम कहीं भी ब्लड निकल रहा हो ना, ब्लीडिंग हो रही हो उस पर लगा रहे हैं तो 1 सेकंड में ब्लड रुकता है, बहुत ही शानदार पौधा है। अब मैं बताती हूँ, देखिए मैंने मिट्टी को गीला करके रखा हुआ था काफ़ी दिन से, अब मैं इसमें से सिर्फ उतनी मिट्टी हटाऊँगी जितना पौधा मुझे रीट्रांसप्लांट करना है। और ये देखिए रूट बॉल है जो कि टूटा हुआ है, तो मैं ज़्यादा इसको कुछ नहीं करूँगी, इसको एज़ इट इज़ ही इस जो मैंने होल किया है इसके अंदर इसमें इसको सेट करूँगी हल्के से हाथों से। बहुत ज़्यादा देखिए रूट्स को दबाना नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं करना होता है, आप रखिए हल्के से हाथों से और इस पर मिट्टी मैं चढ़ा दूँगी। ये देखिए और अब देख पा रहे होंगे इस पर बन रही है बड, जो कि फूल अभी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि पौधा बहुत छोटा है और पिटूनिया पर बहुत सारे फूल देने के लिए क्या करना होता है, इस पर जो स्टार्टिंग में बड आ रही हो ना आप उनको हटा दीजिए। ये देखिए दोनों ही बड मैंने हटा दी हैं, अब इसमें बहुत थोड़ा सा ही मुझे पानी देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी के अंदर पानी है, बड मैंने हटा दी है जिससे कि पूरा का पूरा ताकत अब पौधा किस पर लगाएगा, अपनी रूट्स को सेट करने में लगाएगा। इसको पिंच मैंने कर दिया है और थोड़े ही दिनों में इसकी हर एक नोड एरिया से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और ये पौधा एकदम वोशी हो जाएगा और पिटूनिया में खूब सारे फ्लावर्स आएंगे। ये वाला तरीका मैं ऑलमोस्ट सभी फ्लावरिंग प्लांट में करती हूँ जो कि सर्दियों में उगाती हूँ पिंचिंग का, जिससे कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और अभी कोई फर्टिलाइज़र मैं नहीं डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी पॉट के अंदर काफ़ी सारा खाद है, जब लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी तब मैं इसमें डालूंगी। और देखिए एक ये पॉट है जिसमें कि अगेन अलाइसम लगा हुआ है, टमाटर की सैपलिंग लगी हुई है जिसको मैं निकाल के दूसरे पॉट में लगा दूंगी, डेंथस लगा हुआ है और इसी के अंदर मैं जो पिंक अलाइसम लेकर आई हूँ, सॉरी पर्पल, वो मैं लगाने वाली हूँ। ये देखिए इसका रूट बॉल, ये कोकोपीट में लगे हुए आते हैं, तो बस इसको भी मैं यहीं पर छोटा सा मैंने गड्ढा कर लिया है जिसमें सेट करूँगी इसको और मिट्टी को चढ़ा दूँगी। और अगेन क्या काम करूँगी अभी, क्योंकि मुझे रूट्स इसकी सेट करनी है, मैं इसमें जो ये फ्लावर्स आ रहे हैं इसको मैं पिंच करके हटा दूँगी। ये देखिए मैंने लगा दिया है, बस थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी
दो चार दिन में ये सेट हो जाएगा और वापस से मल्टीपल ब्रांचेस निकाल के फ्लावरिंग करेगा। तो ये तरीका होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है पौधे लगाते टाइम, तो आपके नर्सरी से लाए हुए पौधे नहीं मरेंगे। हमेशा से ही कहती आई हूँ कि सैपलिंग छोटी लाया करिए, ये मुझे महंगी पड़ी है 5 रुपये, मुझे ये 10-10 रुपये की पड़ी है, लेकिन 10 रुपीज़ की मैं ये क्यों लेकर आ गई, क्योंकि मैं अगर नर्सरी जाती तो मेरे 200 रुपये आने जाने में खर्च हो जाते, तो घर के पास से ये इजीली मिल गई प्लांट शॉप पर, तो बस ले आई हूँ। और बाकी की जो बची हैं अभी पॉट रेडी नहीं है, कल पॉट रेडी करके फिर लगाऊंगी। आई होप अब छोटे पौधे लगाते टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और देखिए कॉलियस जो है इंडोर प्लांट नहीं है, अगर इसे धूप नहीं मिलेगी तो इसके सारे कलर फेड हो जाएंगे और इसकी पत्तियां झड़नी शुरू हो जाएंगी। ये पौधा मैं जब गई थी अभी 4 दिन के लिए, तो मैं अपने घर में अंदर रख दी थी, जिसकी वजह से देखिए इसका 4 दिन में ही क्या हालत हो गई है। तो इसको कॉलियस को आप बाहर रखिए, अगर इसके ब्राइट कलर चाहिए तो खूबसूरती से चलेगा। मेरे यहाँ तो खैर फुल टेरेस में ही रहते हैं, बट मिनिमम इसको 3-4 घंटे की धूप मिलती है तो इसके कलर जो है बहुत खूबसूरत बने रहते हैं, लाइक इस तरीके से। कल मॉर्निंग में इनके लिए पॉट तैयार करूँगी, कैसे करूँगी शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अप्लाई ज़रूर कर लिया करिए। थैंक यू।